कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ललितपुर में किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर आरोप लगाया है कि वह बुलडोजर के शोर में कानून व्यवस्था पर उठने वाले सवालों को दबा रही हैं। वाड्रा ने बुधवार को सिलसिलेवार ट्वीट में कहा है कि ललितपुर में एक 13 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप और फिर शिकायत लेकर जाने पर थानेदार द्वारा बलात्कार की घटना दिखाई दे रही है कि बुलडोजर के शोर में कानून व्यवस्था के असल सुधारों को कैसे दबाया जा रहा है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि अगर महिलाओं के लिए थाने ही सुरक्षित नहीं होंगे तो वो शिकायत लेकर जाएंगे कहाँ। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने थानों में महिलाओं की तैनाती बढ़ाने, थानों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए गंभीरता से सोचा है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी महिला घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदु रखे थे। आज ललितपुर है, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए महिला सुरक्षा और महिला हितैषी कानून व्यवस्था के लिए गंभीर कदम उठाने ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।